भारत का वर्ल्ड कप कैंपेन हुआ समाप्त और न्यूजीलैंड पहुंचा फाइनल में, यानी भारत की लगातार सेमीफाइनल में दूसरी हार और वहीं न्यूजीलैंड पहुंचा लगातार दूसरी बार फाइनल में। तो अगर मैच की बात करें तो सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई? अब अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि MS धोनी की वजह से ये मैच हारे हैं, और अभी भी MS धोनी को ब्लेम करा जा रहा है कि ये जो सेमीफाइनल का मुकाबला है वो हम MS धोनी की वजह से हारे हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि MS धोनी बहुत अच्छा खेले हैं, उनकी वजह से हम नहीं हारे। तो जो MS धोनी की आलोचना या जो क्रिटिसाइज उन्हें कर रहे हैं इस मैच की हार के लिए, उन्हें मैं पहले बता दूं, अगर आप सब ये सोचते हैं तो आपको यानी क्रिकेट की नॉलेज लेने की ज़रूरत है और आपको क्रिकेट को ढंग से देखने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि MS धोनी जिस हिसाब से खेले वो बहुत अच्छी इनिंग थी, और जडेजा की जितनी तारीफ कर उतनी कम। उस मैच में हम वहाँ पीछे हुए जब इंडिया के 4 विकेट गिरे, उसके बाद भी ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या वो आ रहे हैं, और धोनी जैसा प्लेयर जो नंबर 7 पे खेल रहे हैं। और यही एक बात बताओ यार, MS धोनी का जो गेम प्ले है वो यही है कि यार वो लास्ट तक खेलेंगे, चाहे वो 7वें पे आए, चाहे वो 8वें पे आए, या चाहे वो 4थे पे आए। तो अगर वो 4th नंबर पे आते तो लास्ट में हमारे पास ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा तो बैकअप पूरा रहता, और धोनी अपने हिसाब से गेम को चलाते और उनके इर्द गिर्द पूरा गेम घूमता, और आज इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये चाहे आप टीम मैनेजमेंट की गलती माने या चाहे किसी और की गलती माने, लेकिन गलती बहुत बड़ी हुई है। और जैसा कि मैं इस वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ कि धोनी को नंबर 4 पे खिलाएं, लेकिन एक भी मैच में नंबर 4 पे मौका दिया नहीं गया, और एटलीस्ट मेरे को ये लग रहा था कि सेमीफाइनल तो नंबर 4 में श्योर खेलेंगे। और अब तो ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी जहाँ धोनी ही पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे। मैं नहीं समझता कि पूरी टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर है, चाहे वो रोहित शर्मा हो या चाहे वो विराट कोहली हो, जो इस सिचुएशन में आके मैच को कंट्रोल कर सके और एक तरफ अपना विकेट रोक सके। तो वो एक प्लेयर ही है इंडियन टीम में जो अभी खेल रहे हैं, वो MS धोनी, जो एक तरफ विकेट रोक के खड़े रहते और लास्ट तक खेलते और ये मैच इंडिया जीतती। लेकिन टीम मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से हम सेमीफाइनल में एक बार फिर आ रहे हैं, और MS धोनी का ये लास्ट वर्ल्ड कप था। तो यार वेल प्लेड MS धोनी, बहुत अच्छे 50 रन बनाए, और वेल प्लेड रविंद्र जडेजा, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे वो हो बैटिंग, तीनों में उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया लास्ट 7 डेज में। जडेजा ने जो अपना गेम प्ले सेट किया है और जो अपना स्टैंडर्ड सेट किया है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया है, उनके बारे में आप कोई आलोचना नहीं होगी, चाहे वो संजय मांजरेकर ने कुछ बोला, चाहे किसी या और किसी ने जडेजा के बारे में कुछ कमेंट किया हो। सो इंडिया यार वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, एक बार फिर सेमीफाइनल में हार चुकी है। सो प्लीज़, अगर वापस से एक ही बात कहूँगा, आपको ये लग रहा हो कि मैं यार MS धोनी का ये मतलब सपोर्ट में आ रहा हूँ कि उनका फ़ैन हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं वापस से बोलूँगा कि अगर MS धोनी इस मैच में ऊपर आते तो इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। सो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ इस वीडियो में। तो आज दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड, जिसमें इंग्लैंड जीतेगी और मे भी इस बार जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड ले जाए। सो थैंक यू टीम इंडिया, थैंक यू रोहित शर्मा, थैंक यू विराट कोहली, थैंक यू MS धोनी, थैंक यू जडेजा, थैंक यू बुमराह, और सारे प्लेयर को थैंक यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।